दोस्तों, हिंदू धर्म को विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई है। जी हाँ, इस धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पूजनीय माना है। करोड़ों देवी देवताओं में माँ लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में हम जानते हैं। घरों और मंदिरों में देवी की रोज पूजा होती है, लेकिन दिवाली के दौरान इनकी पूजा अर्चना खास तौर से की जाती है। धनतेरस का दिन तो माँ लक्ष्मी के ही दिन के रूप में पूजा जाता है। इस दिन लोग सोने चांदी जैसी चीजें अपने घर में लेकर आते हैं, लेकिन देश में एक ऐसा मंदिर भी है जिसे दिवाली के दिन सोने चांदी से सजाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यहाँ हर तरह के करेंसी नोट भी चढ़ाए जाते हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है, जिसे महालक्ष्मी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दिवाली पर इस मंदिर में फूलों से नहीं बल्कि नोटों से इसे सजाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताते हैं। शायद सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मौजूद महालक्ष्मी के मंदिर को करेंसी नोट से सजाया जाता है। आपने आज तक फूलों से मंदिरों की सजावट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी सोने चांदी और नोट से मंदिर को सजते हुए देखा है? इस मंदिर में ये सब होता है। कहते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर धनतेरस से लेकर 5 दिन के दीप उत्सव का आयोजन किया जाता है, और मंदिर की दीवार और माँ की मूर्ति की सजावट नोटों से की जाती है। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण में मौजूद झालर को नोटों की गद्दियों से सजाते हैं। इन सब की वजह से यहाँ हर साल भक्त आते हैं। आपको बता दें कि मंदिर को 1 या 2 लाख से नहीं बल्कि करोड़ों की करेंसी नोट से सजाया जाता है। अब इतने नोट्स आगे चढ़ाए जा रहे हैं, तो यकीनन मंदिर की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाता होगा। यहाँ हर साल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। कहते हैं जब पूजा पाठ चलती है तब तक मंदिर के चारों ओर पुलिस पहरा देती है, ताकि मंदिर में कोई चोरी ना हो। इस मंदिर के बारे में कई दिलचस्प कहानियां भी हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आता है, उसे प्रसाद में नोट दिए जाते हैं। कई लोगों को तो प्रसाद के रूप में सोना चांदी भी मिल जाता है। अगर मंदिर की पौराणिक काठ पर गौर करें, तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए मंदिर में पैसे के साथ आभूषण चढ़ाने के लिए आया करते थे। इसके बाद ऐसा समझा जाने लगा कि मंदिर में पैसे या आभूषण चढ़ाने से घर में धन की कमी नहीं होती, और तब से भक्तों ने मंदिर में आभूषण और पैसों को चढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।